जुमले के झांसे में इस बार नहीं आ रही जनता। दो चार यहाँ देखो कम से कम 500 गैया होंगी सब, जिससे जिधर लकड़ जाती है उधर पट कर देती है। सरकार तो कह रही है बहुत गौशालाएं बनवा दी गैयों को, सब आवारा पशुओं को उसी में रख रहे हैं। गैयों से परेशानी की बात तो हम कई सालों से 5-6 साल से सुन रहे हैं, किसान कहता है गैयों से परेशान है, लेकिन बीजेपी फिर जीत जाती है। अगर गैयों की कल कोई हुआ तो परसों बीजेपी फिर जीत जाएगी। मैंने सरकार कोई बुरी ना, सरकार अच्छी है, मगर ये है कि बीजेपी सरकार में कोई गैयों की वो ना है। आप इतना नाराज थे समाजवादी से 2019 में जी, इस बार वो राजी हैं और उनका असर है यहाँ पर। जो मोदी जी अब चुनाव देखा होगा परसों नरसों का भाषण आया, अब खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो, तो उसका असर पड़ेगा, मतलब ध्रुवीकरण होगा क्या? पिछली बार रिजल्ट क्यों रहा है, बदलाव होगा इस साल और आदित्य यादव भी जीतेंगे और 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। बदायूं में भी चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ से दुर्विजय शाह जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं कमल निशान से, उनके सामने हैं शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव। तो बदायूं के चुनाव पे भी देश भर की निगाहें लगी हुई हैं और ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव को बहुत मामूली मार्जिन से हरा दिया था, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये जानने के लिए हम कुछ बदायूं के लोगों के बीच हैं। क्या लग रहा है भाई, आपकी क्या मामला है बदायूं में? अब की बार आदित्य यादव ही जीतेंगे यहाँ से। अब की बार आदित्य यादव ही जीतेंगे यहाँ से। दुर्विजय शाह में क्या गड़बड़ी है? नहीं गड़बड़ी कुछ नहीं है, गड़बड़ी कुछ नहीं, वो भी अच्छे हैं। तो फिर कैसे यहाँ तो बीजेपी जीती थी ना पिछली बार? नहीं पिछली बार जीती थी, इस साल जनता बहुत परेशान है विकट से ज़्यादा। हर किसान रात में गायों से लेके और हर समस्या से परेशान है। युवा रोजगार बहुत है, पढ़े लिखे BA M.Tech B.Tech सब ऐसे ही घूम रहे हैं। ये बात तो हर चुनाव में देखने को मिलती है, 10 साल से हम यही देख रहे हैं, हर चुनाव में जनता ये बोलती है। ज़्यादा जागरूक हो गई ना पिछली बार बहकावे में, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। इस बार बहकावे में नहीं आएगी, इस बार जनता बहकावे में नहीं आएगी, पिछली बार तो बहकावे में आ गई जनता। किसने बहका दिया था? ये जुमलेबाजी चलती रहती है, जुमले में झांसे में आ जाती है जनता, जुमले के झांसे में इस बार नहीं आ रही जनता। इधर आइए, इधर इधर आइए, इधर इधर क्या क्या मतलब क्या समस्या आ रही है? क्या रात रात भर सब किसान मर रहे हैं, गैयों को रखा रहे हैं, उन्हें कोई संशोधन हो रहा हो कौन सा कौन तो बताओ। गाय तो हमारी माता है, माता अगर 2-4 किलो खा लिया क्या दिक्कत है? तो है मगर वो हमें कुछ नहीं होने देती, हम क्या खाएं फिर? 2-4 यहाँ देखो कम से कम 500 गैया होंगी सब, जिससे जिधर लकड़ जाती है उधर पट कर देती है एक संग खेती के लिए। मान लो सरकार तो कह रही है बहुत गौशालाएं बनवा दी गैयों को, सब आवारा पशुओं को उसी में रख रहे हैं। हमारी तो एक गैया ने पकड़ी गई है, एक गैया ने पकड़ी गई गौशाला में, पुलिस चल रहे हैं, सब भूखी मर जाएंगे, सब भूखी, कोई चारा नहीं होगा उनके पास ना। बात एक दूर है गौशाला यहाँ से, अरे यहाँ पर 2-3 गौशाला है, कई किलोमीटर यहाँ से, एक किलोमीटर ना। चलो अभी चलते हैं गौशाला पे। हमारे यहाँ तो कोई गैया नहीं पकड़ी गई है, अब बताओ जो सरकार मौजूदा सरकार काम ना कर रही है बताओ तो कैसे वोट देंगे बताओ? सरकार कितना काम किया पता है आपको, राशन दे रही है और 2000 रुपया आ रहा किसानों खाते में। खाली राशन से उतने से क्या हो रहा हो, मान लो कहो गरीब भरे को परिवार है, राशन एक दिन तो खत्म हो जाए, मान लो पूरा जिला जिला लिख दे मोदी जी सबके नाम, 20-20 क्विंटल खेती एक एक दिन में गैया उजाड़ रही है, समझ रहे हो? रात रात किसान आगे फोरो गैया से परेशान बहुत है किसान, गैयों से परेशानी की बात तो हम कई सालों से 5-6 साल से सुन रहे हैं, किसान कहता है गैयों से परेशान है, लेकिन बीजेपी फिर जीत जाती है। हाँ तो वो तो मान लो आदमी के मन की बात है, और अब किसी आदमी का अगर गैया का इंतजाम नहीं हुआ तो देखना कैसे कर जीतती है बीजेपी। गैयों से परेशानी के नाम पे वोट पड़ता है, बहुत परेशान आदमी। अभी आपने शायद गाँव में लगाई होगी तो देखो बुजुर्ग वो क्या कह रहे थे, डोकर क्या कह रहे थे? हाँ बता रहे थे गायों की समस्या तो है। हाँ अगर गैयों की कल कोई हुई है तो परसों बीजेपी फिर जीती आई, मान लो फिर जीती आई अगर गैयों का संशोधन हुई जाए तो, गाय का मसला हल कर दे तो फिर जीत सकती है। हाँ हो सकता, उम्मीद है, ये बड़ी समस्या है। तो बीजेपी की सरकार बुरी है, हमें क्या बताओ, आप बताओ जनता बताओ ना। सरकार कोई बुरी ना, सरकार अच्छी है, मगर ये है कि बीजेपी सरकार में कोई गैयों की वो ना है, इनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। बदायूं में क्या माहौल है? अब बदायूं में तो अब यहाँ पर आप देख के तो आबिद रिया के आने से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इस सीट पे आबिद रिया के आने से बहुत ही बड़ी मतलब जीत हो रही है। आबिद राजा समाजवादी पार्टी में आ गए, आबिद रिया से मैन फर्क है, हिंदू मुस्लिम सब आबिद रिया के साथ है। आबिद राजा बड़ा नेता है, हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ है। बताओ राजकुमार बताओ, उनके कहने पे वोट करते हैं सब? उनके कहने पे क्या, उनकी जो छवि है उस पे वोट जाता है, दलाली ना है उनके, दलाली ना कराओ तो किसी आदमी को, हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके चलता है। हाँ
आवरेज आके जो यहाँ पे मुरैज सबसे ज्यादा आवरेज आके सबका सम्मान बराबर मिलता है, सबका सम्मान हिंदू से ही या मुसलमान से ही आवरेज है सबका। कौन चल रहा है चुनाव में आगे इस वक्त, आदित्य यादव की दुर्विजय साह की? आदित्य का हिसाब बढ़िया, आदित्य का हिसाब बढ़िया, निकल जाएगी सीट उनकी, सीट निकल जाएगी। अच्छे वोटर से कितने वोट से जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोटर से यहाँ से जाएंगे विधानसभा बदायूं से लेंगे, बदायूं विधानसभा से 50,000 वोट से आगे रहेंगे कम से कम, पूरी लोकसभा से? हम लोकसभा से आगे आगे की मालूम 2 लाख लगभग, 2 लाख पूरी लोकसभा से 2 लाख लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है, पिछली बार कितने वोटों से आ रहे थे? बहुत कम वोट थे, कितने? 25 या 27 हज़ार थे, नहीं 20 के अंदर ही था शायद, हाँ इतने से। लेकिन आबिद रजाक ने मुखालफत की थी उसमें, आबिद रजाक नाराज थे समाजवादी से 2019 में जी, इस बार वो राजी हैं और उनका असर है यहाँ पर, उनका असर है सारी विधानसभाओं में, खाली बदायूं में नहीं पांचों विधानसभाओं में। अच्छा जो मोदी जी अब चुनाव देखा होगा परसों नरसों का भाषण आया, अब खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो तो उसका असर पड़ेगा, मतलब ध्रुवीकरण होगा क्या? अब हिंदू मुसलमान पे तो इतनी राजनीति होगी, इतनी 10 साल सरकार उन्होंने चला ली, अब आदमी की समझ में आ गया, बस हो गया जो होना था, अब कुछ सबकी समझ में आ गया। नहीं वो भी तो कुछ मोदी जी भी तो अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे भाई, उनको लगता होगा कि इससे फायदा मिलेगा तभी तो कर रहे होंगे, फायदा मिलेगा इससे? फायदा ले तो लिया, इतना ले लिया और अब आगे बेवकूफ थोड़ी बनते रहेंगे लोग, खेतों के चौकीदार बनाए दो, किसान तो अपने खेत की चौकीदारी हमेशा करता रहा है, कोई नई बात थोड़ी, ऐसे ना कर रहा हूँ, सब गाय बेकार है, कट कट के गिर रही है गाय, ताल लगे, चौकीदार बनाए दो खेतों को, रात भर किसान जग रहा हुआ है। मोदी जी चौकीदार लिख सकते अपने नाम के आगे, वो तो कहते मैं देश का चौकीदार हूँ, तो फिर चौकीदार है, बेहतर चौकीदार है। क्या लग रहा है बदायूं में होगा कुछ कि पिछली बार वाला ही रिजल्ट रहेगा? पिछली बार रिजल्ट क्यों रहा है, बदलाव होगा इस साल पक्का। अच्छा जो उनका टिकट कटा है संगमित्रा मौर्य का, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना, कैंडिडेट कोई भी हो है तो बीजेपी का ही, उससे क्या मतलब? तो क्यों काट दिया संगमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने? वो तो वही जान सकती है, हुकूमत जान सकती है इस चीज के लिए। उनके जीतने के चांस कम थे क्या इस बार? कुछ होगा, उन्हें शंका होगी इस बात में, तभी तो काटा उनका टिकट। और दुर्विजय साह की क्या कभी विधायक सांसद कुछ रहे हैं, कभी नेता कोई चुनाव लड़ा, इन्होंने जीते कभी? हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। तो लोग तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट के नाम पे वोट कहाँ पड़ता है, वो तो कहते हैं बीजेपी तो कहती है मोदी जी के नाम पे जनता वोट देती है। अब मोदी जी का फैक्टर बहुत चल गया, अब लोगों की समझ में आ गया अच्छा बुरा क्या है, अच्छा बुरा समझ रहे हैं अब लोग, बात बन नहीं रही, कौन काम देगा ये सब चीज अब लोग समझ गए, बदायूं में बात बन नहीं रही, कहाँ तक बेवकूफ बनेगा आदमी, अब बदायूं में सफाई आएगी फिर से, एक तरफा मामला है क्या? एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा, और आबिद रजा साहब के आने के बाद तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल है? समाजवादी, समाजवादी, हाँ समाजवादी, आबिद रजा, आदित्य यादव, आदित्य यादव, इस बार आदित्य यादव ही जीतेंगे और 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, क्योंकि आबिद रजा उनके साथ हैं इस वक्त, और आबिद रजा का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है उनके साथ, और यही वजह है कि आदित्य यादव कम से कम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसने झुंझुना दिया है, आज झुंझुना छोड़ दिया किसान ने, जवान ने, और हमारे गरीब ने, मजदूर ने झुंझुना छोड़ दिया, लाठी हाथ में पकड़ ली है, वो झुंझुना टूट चुका है, अब लाठी नहीं टूटेगी, जीतेंगे आदित्य यादव। बिल्कुल, देखिए हम जहाँ भी जा रहे हैं बदायूं में, तो फिलहाल जो कि दुर्विजय साह के जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो उन पे फिलहाल आदित्य यादव भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए बदायूं की सीट बचाना आसान नहीं होगा।